ये देखिए, बेबी फ्रॉक बनाने के लिए मैंने ये दो कलर लिए हैं और इसमें 12 नंबर क्रोसिया लिया हुआ है। और सबसे पहले देखिए, मैं इसमें चेन बनाऊंगी, 48 चेन बनाऊंगी। देखिए इस तरीके से इसको घुमा के यहाँ से क्रोसिया को डाल के एक नॉट लगा लूँगी। और देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से 48 चेन बना के कम्प्लीट करती हूँ। ये देखिए, मैंने इसमें 48 चेन डाल ली है, 48 चेन। और देखिए, 1 2 2 चेन एक्स्ट्रा बनाऊंगी, बल्लूंगी। और देखिए, अगले इसमें से यहाँ से डबल क्रोसिया बनाऊंगी इस तरीके से। इसको भी काउंट कर लेंगे, जो मैंने 2 की चेन बनाई है, ये 3 4 पाँच छः सात, ये देखिए 7 डबल क्रोसिया मैंने ये आगे के लिए लिए हैं। और 10 मैं बाजू के लिए लूँगी, और 14 बैक के लिए, फिर 10 बाजू के लिए, फिर 7 ये इस तरह से आगे के लिए लूँगी। इस तरीके से मैं इसको बनाऊँगी पूरी चेन को। अब देखिए, यहाँ पे मैं कॉर्नर बनाऊंगी, तो 2 चैन बना ली। और देखिए, ये अगली चैन से बनाएंगे। अब यहाँ पे मैं 10 डबल क्रोसिया बनाऊंगी, 7 मैंने बना ली है, ये बैक फ्रंट के लिए हो गई इस तरीके से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखिए 10 बना लिए मैंने। अब देखिए, इस तरह से कॉर्नर बनाऊंगी मैं, तो 2 चैन लूंगी, 1 2। और देखिए, अगली चैन में से आप देखिए बैक पार्ट बनेगा, यहाँ पे ये फ्रंट हो गया, ये बाजू हो गई। अब ये बैक के लिए मैं 14 डबल क्रोसिया बना लेती हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैंने ये 14 डबल क्रोसिया बना लिए। अब देखिए, यहाँ पे एक कॉर्नर बनाऊँगी, 1 2 2 की चैन बल लूँगी। और देखिए, अगली चैन से 1 2 3, अब देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से 10 बनाऊंगी। ये देखिए, मैंने 10 यहाँ पे बना लिए हैं बाजू के लिए। आप देखिए, 1 2, और देखिए यहाँ पे अगली चैन में, अब देखिए 1 2 3, अब देखिए यहाँ से मैं 7 बना लेती हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने ये इसमें 4 कॉर्नर बनाए हैं, 1 2 3 4। और देखिए, आप खुला साइड चाहे आप आगे के तरफ रख लीजिए बेबी के, या बैक के तरफ, ये आपकी मर्जी है, जिधर भी आप रखना चाहें। ये देखिए, इस तरीके से ये आ जाएगा। और देखिए, अब मैं यहाँ से ये कलर चेंज करूँगी। और देखिए, इस धागे को मैं यहीं छोड़ रही हूँ, यहाँ पर देखिए इसको मैं इस तरीके से एक बार निकाल दूंगी। और देखिए, ऐसे 2 2 चैन पलट लेंगे। आप देखिए, यहाँ से मैं ये 2 बनाए, और देखिए 1 1 चैन ली, और 1 2 इस तरीके से। फिर देखिए, 1 चैन, फिर 1 को छोड़ देंगे दूसरे में। अब देखिए, 1 चैन लेंगे, 1 को छोड़ देंगे इस तरीके से। और देखिए इसमें, अब देखिए यहाँ से 1 बार बुना, 2 2 बनाए, और उसके बाद देखिए 1 2 चैन। अब देखिए, वापस इसी होल से ऐसे, ये देखिए डबल क्रोसिया इस तरह से बना लिए। ये देखिए, अब देखिए यहाँ से 1 चैन बनाऊंगी, 1 को छोड़ूंगी, और देखिए ऐसे
फिर चैन अगले को छोड़ के दूसरे में एक चैन, फिर देखिए ऐसे एक चैन बनाएंगे, एक को छोड़ देंगे दूसरे में बनाएंगे एक चैन, उसके बाद इसमें ये देखिए अब मैं इस तरीके से बनाऊंगी जिस तरह से ये बनाए हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं चैन नहीं ले रही हूँ, इसके अंदर से एक और ये दो, दो बनाने के बाद दो चैन। अब वापस इसी जगह से ऐसे ये देखिए इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने ये चार जगह इस तरह से जाली डाली हुई है। और ये देखिए आप चाहे तो इधर खुला साइड फ्रंट के साइड रख लीजिए या फिर बैक के साइड रख लीजिए, वो आपके ऊपर है किधर आप रखना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ से मैं ये देखिए लास्ट तक मैंने इसको बुन लिया, एक दो, दो चैन बनाएंगे और देखिए अगले से इस तरीके से दो तीन चार पाँच छः सात। ये देखिए पहले मैंने यहाँ पे सात लिए थे डबल क्रोसिया, आप देखिए यहाँ पे इसमें से बनाएंगे आठ। ये देखिए एक ये बढ़ गया, उसके बाद देखिए दो चैन वापस इसी में से इस तरीके से देखिए ऐसे। अब देखिए यहाँ से बनाएंगे और यहाँ पे ये देखिए दस थे बाजू के लिए, ये बारह हो जाएंगे, एक इधर से और एक उधर से, दोनों साइड से एक एक बढ़ जाएगा। ये देखिए यहाँ तक बना लिया मैंने और देखिए यहाँ से काउंट करेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह। अब देखिए एक इसके अंदर से बनाएंगे, तो देखिए यहाँ से ऐसे एक बनाया, उसके बाद दो चैन निकाले वापस इसी में से। अब देखिए इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर देंगे, ये दो जगह से देखिए इसमें से दो बनाने हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी ये रो कम्प्लीट कर। ये देखिए दूसरा राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया और देखिए इस तरह से बना है ये। अब देखिए यहाँ से मैं वापस एक दो और ये तीन, तीन चैन ली पलट लिया और देखिए इसको यहीं से बुने लगाएंगे इसमें क्रोसिया से। ये देखिए दो तीन चार पाँच छः सात आठ। ये देखिए पहले मैंने यहाँ पे सात लिए, फिर आठ हो गए, अब नौ हो जाएंगे इसमें, एक यहाँ से अंदर से इसमें बुनूंगी निकालूंगी और देखिए दो चैन एक दो वापस। अब देखिए इधर को आप देखिए इसी तरह से इसमें मैं सात राउंड पूरे करूंगी, उसके बाद मैं दिखाती हूँ इसी तरह से ये बढ़ते जाएंगे बाजू के फंदे और ये फ्रंट और ये आगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरह से मैंने ये बना के कंप्लीट कर लिए और ये सात रो पूरी हो गई हैं। और देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात और देखिए बढ़ते हुए इस तरीके से यहाँ से एक रो में ये आठ डबल क्रोसिया बढ़े हुए हैं क्योंकि ये चार जालियाँ पड़ी हुई हैं हमारे पास। अब देखिए मैं इसको यहाँ से ज्वाइंट करूँगी, तो इसके लिए देखिए दोनों को ऐसे ये चोली बनके कंप्लीट हो जाएगी फ्रॉक की। यहाँ से देखिए ऐसे ये इस तरह से आ जाएगी, ये देखिए तो मैं यहाँ से इस तरीके से ज्वाइंट कर दूँगी। ये देखिए जो यहाँ पे तीन डबल क्रोसिया डबल चैन लिए थे मैंने, ये देखिए यहाँ पे मैंने ये
सात राउंड पूरे कर लिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात। और देखिए यहाँ से मैंने ये चार जाली में इस तरह से बढ़ाते हुए फंदे इसके गई हूँ, डबल क्रोशिया बढ़ाते हुए। ये देखिए ये मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। और देखिए इसमें सात राउंड पूरे हो गए हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात। और देखिए यहाँ पे मैंने 48 से स्टार्ट किया था, अब मेरे पास यहाँ पे 96 हैं टोटल, ये यहाँ से यहाँ तक के 96 हैं। अब देखिए मैं इसको यहाँ से ज्वाइंट करूँगी, तो ये फ्रॉक की चोली इस तरीके से फोल्ड कर देंगे तो ऐसे दिखेगी ये। अब देखिए यहाँ से मैं ये देखिए यहाँ पे ऐसे निकाल के यहाँ से इस तरह से ये देखिए यहाँ से ज्वाइंट कर दिया। और देखिए एक दो तीन, तीन डबल क्रोशिया इस तरह तीन चैन लिए, उसके बाद देखिए अगली चैन से अब देखिए हर एक में डबल क्रोशिया बनाऊंगी मैं। ये देखिए इस तरह से यहाँ तक इसको कंप्लीट करते हैं, ये देखिए यहाँ तक इसको बना लिया है। अब देखिए एक डबल क्रोशिया इसमें जाली में से बनाऊंगी, जो मैंने दो की चैन ली थी। अब देखिए बाजू को ज्वाइंट करेंगे इस तरीके से, यहाँ से ऐसे ये देखिए इस तरह से ये बाजू आ जाएगी। तो इसको ये देखिए ऊपर साइड से इसमें हुक डालेंगे, ये देखिए ऐसे यहाँ से, और यहाँ से डबल क्रोशिया बनाते हुए इस तरीके से। ये देखिए अब आप देखिए यहाँ तक अगली चैन तक मैं बनाऊँगी। और देखिए आप इसको चाहे तो फ्रंट पर रख लीजिए बंद वाले को, या फिर इसको रख लीजिए, जो भी आप रखना चाहें, खुला वाला आगे रखना चाहें तो आगे रख सकते हैं, और बैक में रखना चाहें तो बैक में रख सकते हैं। यहाँ तक इसको कंप्लीट कर, ये देखिए मैंने यहाँ तक बना के कंप्लीट कर लिया। अब देखिए इसमें से दो चैन बनाए, उसमें से एक डबल क्रोशिया बनाया, और देखिए ये बाजू वाला पार्ट आ गया। तो बाजू को देखिए यहाँ से ऐसे पकड़ के और यहाँ से हुक डालेंगे इसमें से इस तरीके से, डबल क्रोशिया के साथ इसको ज्वाइंट कर देंगे। ये देखें इसको देखिए यहाँ तक बनाते हुए कंप्लीट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये बना के कंप्लीट कर लिया है। और देखिए इसको मैंने जो स्टार्टिंग में तीन चैन बनाए थे उसमें मैं यहाँ पे इसको अटैच कर दूँगी इस तरीके से सिंगल क्रोशिया के साथ ऐसे। अब देखिए ये बन के कम्प्लीट हो गई है, ये देखिए फ्रॉक की चोली बन के ये कम्प्लीट हो गई है।